नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त नॉनस्टॉप 100 का हुआ है, लेकिन इस वक्त पश्चिम बंगाल के 12-7 में आपको लिए चलते हैं। आपने गरीबों से बहुत विश्वासघात किया है। आपकी दुर्नीति ने उनका जीवन और मुश्किल किया है, लेकिन दीदी ये भी जान लीजिए, मेरे देश के किसी भी कोने में जाइए, बंगाल के किसी भी कोने में जाइए, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले किसी भी गरीब के पास चले जाइए, आप देखेंगे मेरे देश का गरीब, मेरे बंगाल का गरीब बिकाऊ नहीं होता है, मेरे देश का गरीब स्वाभिमानी होता है। गरीब आपके तोलाबाज कार्यकर्ताओं की तरह दूसरों की कमाई पर नहीं जीता है। जिस जनता जनार्दन का आप अपमान कर रही है, दीदी, ओ दीदी, दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लीजिए दीदी, यही जनता जनार्दन आपका फैसला करने वाली है और उसने मन बना लिया है। और जनता के हर निर्णय का आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको जनता के निर्णय को स्वीकार करना ही पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। भाइयों बहनों, रवि ठाकुर ने कहा है, ज्यादार कोरे छो अपमान, ज्यादेर कोरे छो अपमान, अपमाने होते होवे ताहादेर शोबार शोमान। दीदी, ओ दीदी, ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा, ये रवि ठाकुर की बात है। साथियों, आज मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि जब से चुनाव शुरू हुए हैं, एक बार भी दीदी ने अपनी रैलियों में कभी भी ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए, ये दीदी ने कभी कहा है? पूरी ताकत से जवाब दीजिए, दीदी ने कहा है? एक बार भी कहा है? क्या दीदी ने एक बार भी कहा है कि सभी मत संप्रदाय, सभी वर्ग के लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें? क्या ऐसा कभी उन्होंने कहा है? क्या बोला है कभी? क्या दीदी ने एक बार भी ऐसी अपील की है कि शांतिपूर्ण मतदान होना चाहिए, ये कहा है दीदी ने? आप पूरी ताकत से बताइए, कहा है? क्या दीदी ने कभी भी शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है? राज्य के मुख्यमंत्री के नाते उनकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? उनकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? टीएमसी के नेता के नाते उनकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? टीएमसी के उम्मीदवार के नाते जिम्मेवारी है कि नहीं है? लेकिन कभी दीदी ने बंगाल में
शांतिपूर्ण मतदान करो ये शब्द नहीं बोला है। क्या एक बार भी उन्होंने ये कहा कि जो लोग हिंसा फैलाएंगे, मतदान में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? क्या ऐसा दीदी ने बोला क्या कभी? उनको बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? ये उनकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? ये भी नहीं बोलती है? बंगाल की जनता समझ सकती है कि दीदी के इरादे क्या है। दीदी जानती है कि इतना ज्यादा मतदान बीजेपी के पक्ष में हो रहा है, इसलिए वो ज्यादा मतदान के खिलाफ है। दीदी जानती है कि चुनाव में उनके गुंडे ही हिंसा कर रहे हैं, इसलिए वो हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी नहीं कर रही है। आखिर दीदी अपने ही लोगों पर जो ये सब बवाल करते हैं, हुड़दंग करते हैं, हिंसा करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगी और इसलिए कैसे बोलेगी? ये सब, ये जो सब कुछ चल रहा है, दीदी की नाक के नीचे हो रहा है। उनके कान सुनते भी हैं, उनकी आंखें देख भी रही हैं, और पता नहीं इशारा कहां से होता है, कब होता है, कैसे होता है। भाइयों और बहनों, जैसे जैसे दोस्तों आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, इतना प्यार आपने दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं विकास करके ब्याज समेत इस प्यार को मैं लौटाऊंगा। साथियों, जैसे जैसे 2 मई नजदीक आ रही है, दीदी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। वो किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहती है, इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों को भड़काना शुरू कर दिया है। एक मुख्यमंत्री कभी ऐसी भाषा नहीं बोल सकता है। वो यहां हिंसा फैलाना चाहती है, अशांति पैदा करना चाहती है। पंचायत चुनाव के समय दीदी की पार्टी ने जिस तरह लोकतंत्र को लूटा था, अब वही कोशिश, वही साजिश वो दोबारा इस चुनाव में कर रही है। लेकिन मैं दीदी को साफ साफ कहना चाहता हूं, दीदी, ओ दीदी, आपकी हर साजिश को ये बंगाल की जनता नाकाम करके ही रहेगी। आपकी हर साजिश का जवाब बंगाल की जनता खुद दे रही है। मैं जब ये बोल रहा हूं ना, दीदी हो दीदी, उससे भी उनको गुस्सा आया, बताओ। ये गुस्से करने वाली एक चीज है क्या? मुझे बताइए, ये गुस्सा करने वाली बात है क्या? मैं तो हैरान हूं, मुझे किसने
वो व्हाट्सएप भेजे हैं, शायद बंगाल के लोगों ने भेजे हैं। सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, वो खुद मोबाइल पर अपनी वीडियो बना करके रखी हुई है बच्चों ने। और क्या बोल रहे हैं बच्चे, दीदी, ओ दीदी। बंगाल के हर घर का बच्चा दीदी, ओ दीदी बोलना शुरू कर दिया है। साथियों, अपने भतीजे के भविष्य को बचाने के लिए, भाइपों के भविष्य को बचाने के लिए दीदी ने बंगाल के युवाओं के वर्तमान और बंगाल के युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। मैं बंगाल के युवाओं से जानना चाहता हूं, 10 साल के शासन में दीदी ने अपने भतीजे को कहां से कहां पहुंचा दिया। बंगाल के युवाओं को दीदी ने कुछ दिया क्या? दिया क्या? दिया क्या? और दिया तो क्या दिया, सिर्फ चाकरी का इंतजार और चाकरी में भ्रष्टाचार। क्या दीदी के लिए अपना भतीजा ही सब कुछ है? बंगाल के युवा कुछ नहीं है क्या? भाई और बहनों, दीदी की सरकार के दौरान हुए हर अन्याय, हर अत्याचार का पूरा हिसाब, और जब मैं पूरा हिसाब कहता हूं ना, तो मेरे प्यारे बंगाल के भाइयों बहनों, लिख करके रखिए, चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा, पल पल का हिसाब मांगा जाएगा, पाई पाई का हिसाब मांगा जाएगा। भाइयों बहनों, यहां एक मासूम बिटिया के साथ जो हुआ, इसको हम भूल नहीं सकते। टीएमसी कुशासों ने जे रखोक सेई भोखोक, यानी यहां जो रक्षक है वही भक्षक है। मैं यहां आई हर माता बहनों बेटियों को दीदी की सरकार की एक और सच्चाई आज आपके सामने रखना जरूरी समझता हूं। बेटियों से जघन्य अपराध करने वालों को जल्द से जल्द सख्त सजा हो, इसके लिए देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट खोली जा रही है। लेकिन दीदी की सरकार ने बंगाल में इस पर भी ब्रेक लगा दिया है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, हिंदुस्तान भर में बहन बेटियों के लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट खुल रहा है, वो बंगाल में खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? बंगाल के बारासात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे थे और ममता बनर्जी पर वो जमकर बरसे। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।